नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में। और आज हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये है झारखंड के प्रमुख मंदिर। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि झारखंड के प्रमुख मंदिरों से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? तो आपको करीब दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएंगे, एक से दो क्वेश्चन, ये एवरेज रहा है, दो क्वेश्चन तक मैक्सिमम देखा गया है। कभी कभी इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से मेलों को देखा था, और मेले के अलावा हमने किलों को भी देखा था, और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको पसंद भी आया था और आपको आसानी से चीजें याद भी हो गई होंगी। तो चलिए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मंदिर को देखेंगे, और जब आप ये वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे, आपको ये ट्रिक्स याद हो जाएंगे, तो आप अपने किसी भी बुक से MCQ का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। MCQ का जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आपको चीजें याद हो जाएंगी, काफी आसान लगेंगी, और आपको लगेगा कि ये वीडियो कितना आपके लिए फायदेमंद रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मैप है, इसी के थ्रू हम लोग करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहला जो मंदिर है हमारे पास, वो है गोड्डा का मंदिर है, और इसका नाम है योगिनी मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, ये गोड्डा में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, योगिनी मंदिर। और इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या होगा हमारा, इसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, गॉड के लिए योगा, ठीक है। तो ये जो योगिनी मंदिर हमने देखा, इसका ट्रिक क्या बन रहा है, तो इसका बन रहा है गॉड के लिए योगा। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि गोड्डा, और गोड्डा में कौन सा मंदिर है, तो योगिनी मंदिर है। तो गॉड के लिए योगा जो है, ये हमारा ट्रिक होगा गोड्डा वाले मंदिर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं दुमका की। तो दुमका में हमारे पास दो मंदिर है, एक काफ़ी फेमस है जो सभी लोग लगभग जानते होंगे, वो है बासुकीनाथ का मंदिर, बासुकीनाथ। और दूसरा हमारे पास है मौलाक्षी मंदिर, मौलाक्षी। तो ये दो मंदिर हमारे पास है, कहाँ पर, तो दुमका में। तो आपको याद कर लेना है कि बासुकीनाथ मंदिर शायद आप जानते हो, और एक है मौलाक्षी मंदिर। तो ये दोनों को कैसे याद किया जाए, तो इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे कि बासु मौलाक्षी, मौलाक्षी नाम की तरह ही लग रहा है, बासु भी नाम की तरह लग रहा है। तो आप याद कर सकते हैं कि बासु मौलाक्षी कहाँ गए, तो दुमका गए, बासु मौलाक्षी दुमका गए। तो ये हमारा ट्रिक रहेगा दुमका वाले के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गिरिडीह में। तो देखिए, गिरिडीह में हमारे पास एक ही मंदिर है, और ये है झारखंड धाम मंदिर, झारखंड धाम मंदिर। तो ये यहाँ पर है, कहाँ पर है, गिरिडीह में है। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप झार से ले सकते हैं, झारखंड धाम में, कि अगर किसी भी चीज़ को, मान लीजिए किसी चीज़ को आपने बांध के रखा है कहीं का, किसी कपड़े वगैरह में, और वहाँ से जब आप झारेंगे तो क्या होगा, तो वो गिर जाएगा नीचे। तो इस तरह से भी ले सकते हैं कि झारने से गिर गया। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिक किसका, झारखंड धाम मंदिर का, जो कहाँ पर है, गिरिडीह में। उसके बाद हम लोग बात करें अगर अगला मंदिर का, तो हजारीबाग में एक मंदिर है, और ये है शिव मंदिर। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, हजारीबाग में है शिव मंदिर। अब हम लोग चतरा की बात करते हैं। चतरा में काफ़ी फेमस मंदिर है, और यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो चतरा में जो मंदिर है, वो है भद्रकाली मंदिर, पहला है। तीन मंदिर यहाँ पर आपको मिलेगा, पहला जिसमें भद्रकाली है, दूसरा है कौलेश्वरी। भद्रकाली वाला कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसके अलावा तीसरा है सहस्त्र बुद्ध मंदिर। तो ये तीन मंदिर कहाँ पर है, ये चतरा में, इसको आपको रखना है ध्यान में। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे देखा जाए, तो चलिए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, भद्रकाली ये काफ़ी गुस्से वाली माता होती है, ठीक है। तो भद्रकाली और कौलेश्वरी से, या ऐसे आप याद कर लीजिए, भद्रकाल से कौलेश्वरी आपको याद रखना होगा, भद्रकाल बुद्ध से खतरा है, ठीक है, भद्रकाल बुद्ध से खतरा है। तो ये आपको ट्रिक बन जाएगा चतरा के लिए, भद्रकाल बुद्ध से खतरा है। अब हम लोग चलते हैं पलामू में हमारे पास में आएगा दो मंदिर, कौन कौन सा, तो एक है राम लक्ष्मण, और दूसरा है दशाशीष महादेव। तो आपको पता ही होगा कि दशाशीष किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रावण को कहा जाता है, और रावण किसका भक्त था, महादेव का भक्त था, इसीलिए इस मंदिर का नाम है दशाशीष महादेव मंदिर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, राम लक्ष्मण और रावण, चूंकि तीनों रामायण के ही पात्र हैं,
तो आप इससे याद कर सकते हैं कि पलामू में क्या है, राम लक्ष्मण रावण जो है वो कहाँ गए, पलामू गए। याद रख लीजिएगा, राम लक्ष्मण रावण पलामू गए, राम लक्ष्मण रावण। ये ट्रिक का जरूरत भी नहीं था, ऐसे भी आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा अगला मंदिर जो है वो है हमारे पास गढ़वा में, और इसका नाम है वंशीधर मंदिर, वंशीधर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, गढ़वा में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका ट्रिक काफी आसान है और आपको याद भी रहेगा कि वंशी आप समझ रहे होंगे मछली वछली मारने वाला, तो वंशी जो है कहाँ गिर गया, तो गढ़वा में गिर गया। गढ़वा मतलब गड्ढा, तो इससे आप याद कर लीजिए वंशी जो है वो गढ़वा में गिर गया। ये वंशी किसकी बात कर रहे हैं हम, या तो आप बांसुरी का बात कर सकते हैं या फिर आप जो मछली मारने वाला जो वंशी होता है उसकी भी बात कर सकते हैं, दोनों आ जाएगा इसमें। इसके अलावा अगर हम लोग लातेहार की बात करें तो यहाँ पे एक मंदिर है और इसका नाम है उग्रतारा, उग्रतारा मंदिर। और इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या हो सकता है, तो ट्रिक क्या हो सकता है, तो यहां से आप बना सकते हैं तारों का हार। ठीक है, तारों का हार, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि तारों का हार कहां पर, लातेहार, उग्रतारा लातेहार। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गुमला, तो गुमला में काफी ज्यादा मंदिर है, तो उससे पहले हम लोग खूंटी में देख लेते हैं। खूंटी में एक ही मंदिर है और इसका नाम है आमरेश्वर मंदिर, आमरेश्वर एक ही है, आमरेश्वर मंदिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि खूंटी में कौन सा है, आमरेश्वर मंदिर है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें पश्चिमी सिंहभूम की, तो यहाँ पे कुछ मंदिर है जिसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसका ट्रिक ही पहले बता दे रहा हूँ। तो इसका ट्रिक क्या बनेगा, पश्चिमी महासागर ट्रिक बनेगा, पश्चिमी महासागर। अब इसमें कैसे हम लोग इससे क्या निकाल पा रहे हैं, तो देखिए पश्चिमी से आपको याद रहेगा कि पश्चिम सिंहभूम में है ये, और महासागर में आप महा और सागर ये दो को अलग करेंगे, तो महा से बनेगा महादेव, महादेव साला ये मंदिर है, और सागर से बनेगा बेनी सागर, बेनी सागर। तो इस तरह से पश्चिमी महासागर में यहाँ के दोनों ही जो प्रमुख मंदिर है आ जा रहा है, महादेव साला और बेनी सागर। उसी तरह से अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पे एक ही है, रंकिनी, तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे एक ही मंदिर है, नाम है रंकिनी। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब रामगढ़ की तरफ, रामगढ़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रामगढ़ का मैं पहले ही ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद मंदिरों की बात करेंगे। रामगढ़ का ट्रिक है राम कथा, राम कथा सुनना है तो छिन्नमस्तिका जाओ, या छिन्नमस्तिका मंदिर जाओ। ठीक है, छिन्नमस्तिका जाओ, तो इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए राम कथा में राम का मतलब क्या है, रामगढ़ है, कथा का मतलब क्या है, तो एक मंदिर है यहाँ पे जिसका नाम है कैथा शिव मंदिर। ठीक है, कथा का मतलब वही है, कैथा शिव मंदिर। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सुन्ना का क्या है, तो सुन्ना का मतलब कुछ भी नहीं है, छिन्नमस्तिका का मतलब हो जाएगा कि छिन्नमस्तिका मंदिर भी यहीं पर है। तो याद रखिए राम कथा सुनना है तो कहाँ जाओ, छिन्नमस्तिका जाओ। तो यहाँ पे कैथा शिव मंदिर कथा से बनेगा और छिन्नमस्तिका से बन जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर, और ये कहाँ पर है, तो रामगढ़ में। अब हम लोग चलते हैं जरा जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, ये हैं गुमला और धनबाद की तरफ, और कुछ रांची में भी मंदिर है। तो यहाँ पे मैं मैप जो है हाथ से ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक रफ मैप है जिससे हम लोग पता लगा लेंगे। तो देखिए इस लोकेशन में हमारे पास क्या है, रांची है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे है धनबाद। ठीक है, धनबाद, और यहाँ पर है गुमला। तो ये यहीं के तीन मंदिरों को हमको देखना है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं धनबाद को। तो धनबाद में देखिए कौन कौन से मंदिर है, तो यहाँ पे शक्ति मंदिर मिलेगा, लिलोरी मंदिर मिलेगा, भूफोर मंदिर मिलेगा, विष्णु है, पार्वती है, इस तरह से तीन चार मंदिर हैं जो काफ़ी फेमस है। तो हम लोग इन चारों को ही याद करेंगे, बाकी एक दो मंदिर ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब जैसे शिव मंदिर है तो हमने हजारीबाग में भी देखा था, तो उस तरह से शिव मंदिर यहाँ पर भी है, तो वो जनरली क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो वो ऐसे कौन से मंदिर हैं, तो देखिए पहला है शक्ति, दूसरा है लिलोरी मंदिर, लिलोरी,
उसके बाद तीसरा है भूफोर और चौथा हमारे पास है विष्णु, ठीक है, और एक यहाँ पर पार्वती भी है, पार्वती मंदिर, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, या आप शिव पार्वती करके भी याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शिव मंदिर भी है, तो शिव और पार्वती ये दोनों मंदिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि धन की शक्ति से विष्णु शिव पार्वती भू फोर कर नहीं आते। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, देखिए धन से धनवाद हो जाएगा, शक्ति से शक्ति मंदिर है, विष्णु से विष्णु मंदिर है, शिव से शिव मंदिर है, पार्वती से पार्वती मंदिर है, और भूफोर से भूफोर मंदिर है। तो ट्रिक क्या बना कि धन की शक्ति से विष्णु और शिव पार्वती ये लोग भूफोर कर नहीं आते हैं, यानी जमीन वगैरह फाड़ के नहीं आते हैं, धन की शक्ति से नहीं आते हैं, भक्ति से आते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रिक है कि धन की शक्ति से विष्णु शिव पार्वती भूफोर कर नहीं आते हैं। एक मंदिर यहाँ पर बच जा रहा है लिलोरी, तो इसको किसी भी तरह से आप याद कर लीजिएगा, बाकी आपके ट्रिक में है, याद रखिएगा धनबाद में इतनी सारी मंदिर है। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अब रांची की तरफ, तो रांची में कुछ फेमस मंदिर हैं जिसमें जगन्नाथ मंदिर काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा जगन्नाथ। उसके बाद यहाँ पे सूर्य मंदिर है, सूर्य। उसके बाद यहाँ पे एक देवड़ी मंदिर है काफ़ी फेमस, देवड़ी। उसके बाद एक मदन मोहन ये मंदिर है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, मदन मोहन मंदिर याद रखिएगा। इसके बाद राम सीता मंदिर है, देखिए यहाँ पर राम सीता। उसके बाद पहाड़ी मंदिर भी काफ़ी फेमस है, पहाड़ी मंदिर। तो इस तरह से यहाँ भी करीब 6 मंदिर हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये इन मंदिरों के बारे में लगभग आप जानते भी होंगे, इस वजह से इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। पहाड़ी मंदिर इस वजह से फेमस है क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इस तरह से ये मंदिर जो है एक ऊँचे पहाड़ के ऊपर स्थित है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पहाड़ी मंदिर कहा जाता है। राम सीता मंदिर यहीं मिल जाएगा, मदन मोहन मंदिर यहीं पे है, देवड़ी मंदिर है यहाँ पे, सूर्य मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पर सूर्य मंदिर में एक पत्थर पर कविता भी आपको मिलेगी, पत्थर पर लिखी हुई कविता, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो यहीं पर मिलता है पत्थर पर कविता। उसके बाद हम लोग गुमला में बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक ही बताता हूँ, उसके बाद इस पर यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं इसको देख लेंगे। तो ट्रिक हमारे पास है कि वासुदेव का सात टांगी, याद रखिएगा वासुदेव का सात टांगी क्या हो गया, तो गुम हो गया, गुम हुआ, सात टांगी गुम हुआ, तो वो चिंता करने लगे, चिंता में अंजन या चिंता में वे, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, चिंता में वे कपिल के साथ अंजन धाम गए, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया, तो देखिए वासुदेव से यहां पे वासुदेव राय का मंदिर है, एक वासुदेव राय का मंदिर, और सात से आपको क्या याद रखना है, तो यहां पे सती मठ, तो इसको मैंने सात से बनाया है। और टांगी से क्या है, तो यहाँ पे टांगी नाथ का मंदिर भी यहाँ पे पाया जाता है, टांगी नाथ का मंदिर। यहाँ पे गुम का मतलब क्या है, तो गुम का मतलब गुमला से है, ठीक है, ये गुमला में है सारे मंदिर। चिंता का मतलब क्या है, तो यहाँ पे चिंतामणि मंदिर भी है। इसके अलावा कपिल का मतलब है कि कपिलनाथ मंदिर भी है यहाँ पर, और अंजन धाम मंदिर भी यहीं पर है। तो इस तरह से आप गुमला के सभी मंदिरों को लगभग याद कर लीजिएगा, एक आध मंदिर छूटेंगे लेकिन सारे इस ट्रिक में शामिल हैं। तो एक बार फिर से ट्रिक को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, देखिए वासुदेव का सात टांगी गुम हुआ, तो चिंता में वे कपिल के साथ कहाँ गए, अंजन धाम जाते हैं। तो यहाँ पे सारे मंदिर गुमला से संबंधित जितने भी है वो आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपने एक दो बार इस वीडियो को देख लिया और इसके बाद MCQ को प्रैक्टिस कर लिया, तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होने का संभावना जो है काफ़ी कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।